टीम इंडिया अनाउंस हुई है क्रिश, तब से काफी मैसिव फेलियर आ रहा है, हमें सबको पता है। सारे जो प्लेयर्स है 15 में 8 या 9 प्लेयर्स आगने बता रहे हैं फेल हो गए, हमें भी पता है। सारे जो है 0, 5, 7, 10 या रनों के लिए पिट रहे हैं। समीर जी कह रहे हैं इन चहल्स लास्ट 4 आईपीएल गेम्स ही हैज कंसीडेड 205 रन फॉर जस्ट 2 विकेट्स। हाई, इतनी हाई इकोनॉमी है, इतना बुरी तरह पिट रहा है, विकेट्स भी नहीं ले रहा है, एंड आउट ऑफ 11 प्लेयर्स 8 to 9 प्लेयर्स आर आउट ऑफ फॉर्म, एंड ही इज आल्सो सेइंग अनदर सेमीफाइनल एग्जिट इज ऑन द वर्ज। तो भाई आज जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने बोला कि भाई मेरी एक स्ट्रेटेजी है, मेरी एक टेक्निकल पॉइंट है, सुबह 10 बजे मैच होने वाले हैं, तो मुझे था कि मुझे 4 स्पिनर लेने हैं, ये मेरी कॉल थी कि मुझे 4 स्पिनर लेने हैं। इस वजह से रिंकू सिंह जी की जो जगह नहीं बन रही थी, क्योंकि उनको अक्षर, कुलदीप, जडेजा एंड चहल चारों की मांग की थी, क्योंकि कुछ टेक्निकल उनको दिख गया है, और उस टेक्निकल सुबह 10 बजे होने वाला है वेस्टइंडीज और यूएस में, जिसके वजह से रिंकू सिंह की जगह नहीं बन रही। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इसका सबसे बड़ा झूठ मैं पकड़ लेता हूं और सबके सामने रख देता हूं। भाई इसने बोला, ये समझो ये रिंकू सिंह है, इसने बोला है मुझे बॉलर चाहिए सारे ज्यादा, बट रिंकू सिंह बैट्समैन है, और बैट्समैन किससे रिप्लेस हुआ है? शिवम दुबे से। शिवम दुबे ऑलराउंडर नहीं है भाई, बॉलिंग नहीं डाला, अभी लास्ट मैच में डाली है, बट उससे सिलेक्शन से पहले एक ओवर नहीं डाला, एक बॉल नहीं डाली भाई ने। इसका मतलब क्या है? आपने रिंकू सिंह से स्वैप करके शिवम दुबे को अंदर कर दिया है। अब सब कहेंगे यार सही किया, गलत क्या है सर, शिवम दुबे इनफॉर्म है। गलत ये है, शिवम दुबे जिस नंबर पे रन बना रहा है उस नंबर पे उसकी बैटिंग नहीं आनी है वर्ल्ड कप में, ठीक है? 4 नंबर पे मान लो रोहित शर्मा ओपनिंग करते, जायसवाल ओपनिंग करते, 3 नंबर पे तो हमारे विराट कोहली आ गए ना किंग कोहली, 4 नंबर पे कौन आया? T20 स्पेशलिस्ट सूर्य कुमार यादव, 5 पे कौन आया? ऋषभ पंत। अब 6 नंबर पे हार्दिक मान लो या शिवम दुबे मान लो, वैसे शिवम को काफी बैक कर रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं वही कह रहा हूँ। अब 6 नंबर नहीं क्रिश, उसने सीधा सीधा बोला यार मुझे 4 स्पिनर चाहिए थे, इसके लिए रिंकू की जगह नहीं बन रही थी, बड़ा टफ डिसीजन था लेकिन हमें लेना पड़ा, क्योंकि ये टेक्निकल उसने वर्ड यूज किया, और कह रहे बाकी कैप्टन्स भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। अब थोड़ी मैं बताऊंगा कि मतलब सोचो बात छुपाने के लिए कितना बड़ा झोलझाल कर रहा है, मिस्ट्री में डाल रहा है, यार मेरी कुछ तरकीबें हैं, मैं वहां पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, सुबह 10 बजे का मैच है, 4 स्पिनर मुझे क्यों चाहिए तो मैं तब बताऊंगा, ये क्या स्टोरी। और जब तुझसे पूछा कि भाई तेरे पास ऑफ स्पिनर नहीं है तो कहते हाँ मैं तो हूँ, ऐसे कर रहे हैं मैं, ठीक है, मतलब ऑफ स्पिनर नहीं है, जडेजा अक्षर सेम काइंड के बंदे तू लेके जा रहा है, ठीक है, चहल अक्षर और रविंद्र जडेजा एक डायरेक्शन में बोल डालते हैं, बस फिर देख लो 3 डायरेक्शन के एक बॉलर ले लिए हैं भाई साहब ने, और एक डायरेक्शन जो धागे कौन खोलता है हमारे खिलाफ, लेफ्ट हैंडेड, आपने देखा होगा ट्रेविस हेड लेफ्ट हैंडेड, उसको फंसाएगा कौन, ऑफ स्पिनर या चाइनामैन जो कि कुलदीप है, लेकिन अगर उसने कुलदीप पे अटैक नहीं किया तो बाकी सबके जो धागे उधेड़ेंगे ना जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उससे बचने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? पहली बात तो सफेद झूठ ये है रोहित शर्मा एंड अजित अगरकर या बीसीसीआई सिलेक्टर सबका, ये कि हम बैटिंग छोड़ करके बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे क्योंकि हमें 10 बजे मैच खेलने हैं। भाई रिंकू सिंह है फिनिशर, एज ए फिनिशर टीम इंडिया में खेला है, एज ए फिनिशर वो कोलकाता में खेला आईपीएल में लगातार, और उसने वो चीजें करके दिखाई है। अगर शिवम दुबे ने वो एज ए फिनिशर काम किया होता फिर इसके रन चाहे आईपीएल में ऊपर होते, शिवम दुबे को ले लेते, भाई मैं कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, प्रॉब्लम ये है कि नंबर बहुत मैटर करते हैं। रियान पराग 6-7 पे नहीं चलाता, 4 पे आते के साथ तो केएल राहुल का भी तो उसने सेम एग्जांपल दिया कि भाई तूने केएल राहुल क्यों नहीं लिया, तो कहता है वो तो ओपनिंग बैटर है, मुझे तो नीचे का चाहिए था, तो कहता है तो सैमसंग का क्यों ले लिया तूने, तो उसने कहा नहीं सैमसंग नीचे खेल सकता है, मुझे उसकी एबिलिटी में पूरा बिलीफ है। तो यार वो कुछ भी मतलब वो मजाक, एक तो 1.5 घंटा बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, वैसे ही लोग परेशान हो गए थे ना, वो बार बार क्या क्या तरीके, नहीं परेशान हो गए थे ना लोग, ऑडियंस भी परेशान थी, जर्नलिस्ट भी परेशान थे, और वही मतलब रिंकू सिंह का आपको अगर 10 सवाल थे तो रिंकू सिंह का 8वें या 9वें नंबर पे सवाल आया। पहला सवाल पता है कौन सा था? आपको कैसा लग रहा है हार्दिक पांड्या के अंडर खेलते हुए मुंबई इंडियंस के लिए? T20 वर्ल्ड कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है
और उसको पहला सवाल पूछा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या, और वो भी कह रहा है सिंपथी गेन करने के लिए कि भाई क्या कर सकते हैं, अब सारी चीजें आपके हिसाब से थोड़ी होती है, कुछ भी हो सकता है, मैं पहले भी नीचे खेल चुका हूं, अब भी खेल गया। मतलब तू पहले टोन ही सेट ये कर रहा है कि लोग मेरे साथ सिंपथाइज करें पहले नंबर पे। मुंबई इंडियंस का हमें क्या लेना देना यार, तू अपनी फ्रेंचाइजी का कैप्टन है या वाटर बॉय है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तू इंडियन टीम का कैप्टन है, तूने चार स्पिनर सिलेक्ट किए, तूने रिंकू सिंह को बाहर बताया, तू बताएगा कि तूने रिंकू सिंह को बाहर क्यों बताया। जी बिल्कुल सही बात है, मुंबई में तुमने क्या झोल मचाया है, क्या उल्टी पोटी ओटी किया, हमने कोई लेना देना नहीं है तुमसे। मुंबई यार हमारे लिए मैटर ही नहीं करती, हमारे लिए मैटर करती है टीम इंडिया, उसके लिए तुझसे सवाल पूछे जाने चाहिए, उसी के तुझे जवाब देने चाहिए। ऊपर से तूने मुंबई की पूरी लगवाई हुई है, दुनिया कहती है विराट कोहली स्लो खेलता है, स्लो खेल के भी जिताता है, फास्ट खेल के भी जिताता है। रोहित शर्मा ने इस आईपीएल में जो रन बनाए ना, सारे हार में बनाए, एक आवाज नहीं आई है किसी की कि मुंबई लोबी का खिलाड़ी रन बना रहा है लेकिन उसकी टीम हार रही है, क्या फायदा ऐसे रन का, कोई नहीं आया, क्योंकि पीआर सिस्टम उसके साथ है और सारे कमेंटेटर भी उसी के साथ है, मुंबई लोबी चलता रहता है। मेरा बड़े अच्छे से सवाल है, आपने ये तो बोल दिया वो ओपनर है इसलिए हमने नहीं लिया, लेकिन आपने एज ए फिनिशर रिंकू सिंह नहीं लिया, उसका फिनिशर तो बता दो भाई, कौन करेगा, तू खुद नीचे आएगा या हार्दिक को तू एज ए फिनिशर देख रहा है, तो मुझे बता दे भाई हार्दिक को देख रहा है, हम तो हाथ जोड़ लेंगे भाई, हार्दिक फिनिशर नहीं है ना, तेरे बस की है, तू तो भूल जाता है ना टॉस करने से पहले कि मुझे क्या करना है, बैटिंग लेनी है बॉलिंग लेनी है, फिर तू भूल जाएगा फिनिशर कौन था। तो फिनिशर आपने कोई रखा नहीं, ऑफ स्पिनर आपने कोई रखा नहीं, एक डायरेक्शन के स्पिनर आपने रख लिए जिसमें से एक रन मशीन है, प्रॉब्लम यह है चहल रन मशीन है। अब ओवरऑल भी बात की जाए, चलो हमने ये कह देते चहल को नहीं खिलाएंगे भाई, 15 में तो सिलेक्ट किया, खिलाएंगे नहीं, ये काम चल जाएगा। फिनिशर बैट्समैन तो चाहिए ही चाहिए ना, एमएस धोनी है नहीं, बिना एमएस धोनी के आप कैसे फिनिश कर पाते हैं वर्ल्ड कप, कोई भी वर्ल्ड कप ले लो, 2011 ले लो, 7 ले लो, युवराज सिंह वाला एंकर तो आपने डाल दिया, मान लियो चलो मार डाले फिनिशर, बिना विदाउट फिनिशर कोई टीम जाती है, मैंने तो आज तक नहीं सुना कोई भी एक टीम ऐसी चली जाए जिसको फिनिशर ना लेके जाए। जी जी बिल्कुल, तो भाई कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं था, यहाँ सारे लोग कह रहे रिंकू सिंह को होना चाहिए था, मोहम्मद ताज जी भी आ गए वो भी कह रहे थे रिंकू सिंह को होना चाहिए, वो पाकिस्तान से देखते हैं, पाकिस्तान वालों को भी पता है भाई रिंकू सिंह जैसा प्लेयर, मतलब आप सोचिए रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट कितना है, वो बाहर रिजर्व में बैठा है, उनका जो बाबर आजम है 127-128 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, वो उनका कैप्टन है, तो भाई देखिए क्या हिसाब से ये सिलेक्शन हुई है, कोई भी रीजन नहीं दिया गया, रीजन को एक मिस्ट्री बना के कि भाई वो मैं वेस्ट इंडीज में रिवील करूंगा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी क्या टेक्निकल थिंकिंग थी इसके बारे में कि मैं चार स्पिनर लेके जाऊंगा, जिस वजह से रिंकू सिंह को बाहर बैठना पड़ा। शिवम दुबे को वो भाई साहब ने, हमारे नीचे व्यूअर भी बता रहे हैं कि भाई साहब ने पहले ही बोल दिया था कि भाई तू बॉलिंग डाल, तुझे हम ऑलराउंडर देख रहे हैं, मीन शिवम दुबे को पता था उसकी सिलेक्शन होने वाली है, पहले ही इनके दिमाग में था कि ये शिवम दुबे को रखेंगे, हार्दिक को वाइस कैप्टन कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता, ये रिंकू सिंह पे ही गाज गिरेगी, ये सब ये क्लियर था। ये रोहित शर्मा, अगरकर, सिलेक्टर, बीसीसीआई, फ्रेंचाइजी, सब सब में क्लियर था। मैं तो कह रही हूँ ये शाहरुख खान ने थोड़ी पेडलिंग क्यों नहीं की, क्यों नहीं उसने अपना थोड़ा सा इधर उधर चाटी की, जा मेरा भी प्लेयर एक ले ले, वो भी करता शायद उसका भी प्लेयर आ जाता। देखो आने को तो कुछ भी आ जाता, लेकिन आदमी सो तो यही सोचता है शिवानी, हम यही सोचते हैं ना टैलेंट के बेस पे आप टीम सेलेक्ट करोगे, टैलेंटेड तो था ही ना, उसको सिफारिश लगाने की क्या जरूरत है। मुंबई लोबी के हार्दिक, मुंबई लोबी का जायसवाल, मुंबई लोबी का रोहित शर्मा, ठीक है टैलेंटेड नहीं है इस लेवल के, जे जो बोला जाए कि टीम में बहुत 30 मार्क का काम करते, 2022 में झंडे नहीं उखाड़े इसने, खुद रोहित शर्मा ने। टैलेंटेड है मुंबई से सूर्य कुमार यादव, टैलेंटेड है मुंबई से जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल सही जगह है। अब आ जाते हैं दूसरा थाला, थाला 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 जो चलता रहता ना, थाला जब वो आता है ना तो साली एड ब्रेक भी खत्म हो जाती है, ठीक है जो करोड़ों की एड ब्रेक होती है, और उस फ्रेम में धोनी के अलावा कोई अलाउड नहीं होता है, पूरी टीम पीछे होती है, वो भागते हुए जाता है, अबे भाई बाकी सबको भी दाना है। उसने एक कॉल किया होगा शिवम दुबे खेलेगा, और इनकी पतलू ने गिली होगी, शिवम दुबे खेलेगा भाई, एक खिलाड़ी तो वहां से आ गया फोन कॉल बात कर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, वो अगरकर खुद ही कह रहा था रिंकू सिंह हैज डन नथिंग रॉन्ग,
भाई अगर उसने नथिंग रॉन्ग नहीं किया तो शिवम दुबे ने इतना राइट क्या कर दिया आईपीएल में और सीएसके होने के अलावा उसने इतना राइट क्या कर दिया अगर रिंकू सिंह ने रॉन्ग नहीं किया, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। शिवानी देखो इस चीज में एक चीज अच्छी पकड़ ली मैंने, उसने बोला कुछ रॉन्ग नहीं किया, मतलब दिल से उसको पता उस बंदे ने कुछ गलत नहीं किया, वो प्लेइंग 11 में भी होना चाहिए था और 15 में तो होना ही था, डिजर्व था। अब लेकिन वो बंदा मजबूर है, कुर्सी पे बैठा, चार पहिए वो जो कुर्सी के है ना वो अलग अलग जगह के हैं, किसी पॉलिटिशियन का है, किसी सिलेक्टर का, किसी बिजनेसमैन का, वो फंस गया बेचारा। एक पहिया टूटा तो वो तो बैठेगा नहीं कुर्सी पे, फिर कुर्सी पे कोई और बैठ जाएगा गलत, तो फिर भी होगा, तो मजबूरी है। उसने बोल दिया कि उसने कुछ गलत नहीं किया, होना चाहिए, आप आवाज उठाओ, ज्यादा आवाज उठेगी, प्रेस शर्माएंगे, कुछ कर लेंगे तो ये कर लेंगे, मैं तो भाई इतना ही कर सकता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ है जब आप 15 में रख लेते यार, खिलाते मत, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो कुछ मैचेस में नहीं खिलाते, छोटी मोटी टीमों के साथ मत खिलाते, आप पर्ची प्लेयर खिला लेते, लेकिन 15 में होता तो सामने वाली टीम के पास खौफ रहता कि 15 में है तो प्लेइंग 11 में आ सकता है। यार सागनिक कह रहे शिवम दुबे डिजर्व करता है, बट सागनिक शिवम दुबे डिजर्व करता है मान ली बात, बट क्या रिंकू सिंह डिजर्व करता है रिजर्व्स में रहने के लिए? कैन यू मेक अ स्वॉप फॉर रिंकू सिंह, द पर्सन हु हैज परफॉर्मड फॉर द लास्ट 2 years, ही हैज बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, हर प्लेटफॉर्म में किसी जगह उसको डाल दो, ही हैज बीन परफॉर्मिंग। आई एग्री शिवम दुबे डिजर्व्स, बट फॉर दैट विल यू पिक आउट, हम यहाँ 6 महीने पहले बैठ के ये बोल रहे थे कि भाई कोई और डिजर्व करता है नहीं करता है, रिंकू सिंह तो होगा, ये हम डंके की चोट पे छीना ठोक के एवरीथिंग ऑल द हिंदी मुहावरास हम ये कह रहे थे दैट यू नो विराट आउट होगा, रोहित आउट होगा, जयसवाल आउट होगा, गिल आउट होगा, ये टमकाना फिलकाना हार्दिक आउट होगा, पूरी दुनिया आउट हो जाएगी, लेकिन रिंकू सिंह डिजर्व करता है, रिंकू सिंह खेलेगा। How can our stance change within 6 months where he has done nothing wrong? कुछ गलत नहीं किया उसने। कैसे वो main 15 से primary selected player होने के बावजूद वो reserves में कैसे चला गया? और reason all rounder to all rounder replacement नहीं दिया है उसने अजीत अगरकर और रोहित ने, उसने दिया है कि उसको 4 spinner चाहिए थे, इसीलिए एक का गला कटना पड़ा और वो एक का गला जो कटा वो रिंकू सिंह का खड़ा, क्योंकि उसकी कोई back नहीं थी। वो शिवम दुबे को भी रिजर्व्स में डाल सकते थे कि भाई आपकी आईपीएल की परफॉर्मेंसेस अच्छी है इसीलिए हम आपको रिजर्व में लेके जा रहे हैं। वो हार्दिक को लेके जा सकते थे कि भाई तू 6 महीने इंजर रहा है, उसके बाद तेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही आईपीएल में, तू रिजर्व में रहेगा ना। बट वन इज फ्रॉम सीएसके, वन इज फ्रॉम एमआई, ऐसा स्टेप होगा नहीं, वी ऑल नो इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। यही सच्चाई है, पूरे आईपीएल में देख लो सबसे ज्यादा चीटिंग किस टीम के साथ हो रही है, मतलब कौन टीम करा रही है। मुंबई जब खेल रही होती है तब एम्पायर स्टेटिंग करते हैं और मुंबई वाले करते हैं, जब चेन्नई खेल रही होती है तब एम्पायर स्टेटिंग करते हैं और चेन्नई वाले करते हैं, बाकी बता दो कौन सी करती है, कोई नहीं करती। अब इनके खिलाफ जाएगा कौन, इन्होंने अपनी आवाज लगा देनी, अपना डंका लगा देना है, वही करना है। हम आवाज नहीं उठाते भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना गला क्यों फाड़े, हम अपनी एनर्जी क्यों करें, हम अपना बीपी क्यों बढ़ाए, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें बस आईसीसी टाइटल ला करके ट्रॉफी हमें दे दो, चाहे पर्ची प्लेयर के खिलाफ 7 लाख करके दे दो, हम तो खुश है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम पूरे साल झेलते हैं पर्ची प्लेयर। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जब बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर्ची प्लेयर नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान की हालत खराब इसीलिए क्योंकि पर्ची प्लेयर चलते हैं वहां पे, अगर आप पाकिस्तान की तरह लेकर के जाओगे तो भाई यही होगा कि आपने चलो वर्ल्ड कप खिलाना है। वैसे भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो पूरे दुनिया के टूर में नहीं घूमता हो, तो आपको वर्ल्ड कप के वीजा नहीं देने गए, वेस्ट इंडीज में घूम आएगा, अमेरिका में घूम यार उसकी फील्डिंग कैपेबिलिटी देखो, उसको फील्डर डाल दिया था, वो टेस्ट मैच में कौन सा वाटर बॉय कहां से, वो इंडिया ए खेल रही थी वहां से उसको उधर बुला लिया था कि तो भाई इधर आजा, जो केप टाउन में चल रहे थे मैचेस उस टाइम साउथ अफ्रीका में, तो भाई ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर की आपको जरूरत है, या आप कह रहे हैं आपको फील्डिंग मैटर ही नहीं करती, फिटनेस मैटर ही नहीं करती, डेडिकेशन मैटर ही नहीं करती, हंगर रिंकू सिंह में जितना हंगर है किसी में मुझे दिखता ही नहीं है, बिकॉज इतने लो बैकग्राउंड से वो आया, ही हैज द हंगर टू विन, उसको पता है कि उसको टॉप लेवल में अपने आप को प्रूव करना है, तभी उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे जिस तरीके के हम लोग हैं। मेरे मुंह की बात छीन ली शिवानी आपने, बिल्कुल सही पॉइंट बोला। एक बंदा रिंकू सिंह जिसमें भूख भी है, जिसमें टीम जिताने की हुनर भी है, टैलेंट भी है, सब चीज है इस बंदे में, और MS धोनी की बात पे आ जाते हैं यार,
एमएस धोनी से बड़ा कैप्टन तो किसी को कोई नहीं मानता ना आज आज के टाइम में। रोहित शर्मा आजू बाजू भी नहीं है, मानते हो ना, दो टाइटल लेके आया है। उसका क्या कहना था, उसका साफ सीधा कहना था, बैट्समैन कभी चलेगा कभी फेल होएगा, बॉलर कभी चलेगा कभी फेल होएगा, लेकिन एक अच्छा फील्डर हर मैच में आपको रन बचा के देगा, अच्छी कैचेस पकड़ेगा, अच्छे रन आउट करेगा, टर्न करेगा मैच को, 100% वहां आएगा ही आएगा। अब रिंकू सिंह में वो सब टैलेंट है, बेस्ट फील्डर, बेस्ट फिटनेस, कैचेस बहुत अच्छी पकड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर नहीं है। तो अब इसका कोई कारण इन्होंने तो कोई दिया नहीं है, आप लोग बता दो कि एक कारण ऐसा है कि हाँ रिंकू सिंह का ये कारण जस्टिफाई है। अच्छा उससे मैं आपको बता रही हूँ, साग ने कहा मुझे कह रहे हो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है मान लिया अच्छी परफॉर्मेंस देगा, मैं ये कह रही हूँ रिंकू सिंह पे गाज नहीं गिरनी चाहिए थी, किसी और पे गाज गिर जाती। जब उससे पूछा गया कि भाई रिंकू सिंह क्यों बाहर है, उसने एकदम डिटर कर दिया, रिंकू सिंह गिल भी तो साथ में, मतलब उसने एकदम डाउन प्ले कर दिया। इस चीज को डाउन प्ले करना कहते हैं, मतलब आप मेन बुड्ढे से किसी चीज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ हाँ रिंकू सिंह एंड गिल को आप कैसे बोल सकते हैं, गिल ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया, गिल भी रिजर्व में, तो उसने एक का दूसरे पे शेयर करवा के उस चीज को कवर अप करवा दिया, सिंपली बिकॉज रिंकू सिंह की कोई बैक नहीं है, दैट इज द ओनली रीजन। आज वो अंबानी के उस स्क्वाड में होता या थाला धोनी के स्क्वाड में होता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। आप मेरे से राइटिंग में ले लीजिए, अगर नेक्स्ट टाइम ये मेगा ऑक्शन में जाता है और मुंबई या चेन्नई इसको पकड़ लेती है, कोई कोई किसी का डैडी भी, किसी का ग्रैंडफादर, किसी का बाप, रोक नहीं सकता इसको वर्ल्ड कप में एंटर करने के लिए। और सारे फॉर्मेट बीजेटी भी खेल जाएगा शायद, मुझे तो लग रहा है बॉर्डर का उसका भी खेल सकता है ये, अगर ये इन दोनों फ्रेंचाइजी में चला गया। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है शिवानी जी, जो आपने बोला बिल्कुल सच्चाई है। आप भाई चांस था लेकिन निकल गया, टफ चांस था। कोई भी बड़े प्लेयर, वैसे तो ऐसा होगा नहीं मेगा ऑप्शन में शाहरुख खान इसको छोड़ दे, मैं बता दूं शाहरुख खान का जो रवैया है ना, वो भाई जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, करोड़ों रुपए उसने छाप लिए, लेकिन जिसका एक बार हाथ पकड़ लेता है ना, उसका हाथ छोड़ता नहीं है, जब तक वो खिलाड़ी खुद ना बोलते कि सर छोड़ दो मुझे जाने दो, तो अलग बात है। गौतम गंभीर ने बोला मुझे दिल्ली में जाने दो सर, मैं दिल्ली से अपना करियर एंड करना चाहता हूं, उन्होंने बोला चलो आप जाओ लेकिन जब भी आओगे आपका मोस्ट वेलकम है, वापस आया फटाक से ले लिया बंदे ने। तो ये शाहरुख खान का रवैया। अब मेगा ऑक्शन में मैं चाहता हूं कि गलती से मुंबई या सीएसके ही इस पे दाव लगाए और ये टीम में जाए, तभी वो इंडिया का प्लेयर बन सकता है। यार आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मैं अब आपको बताने चाहती हूँ, उसके बाद हम व्यूअर्स के पास आते हैं। कैफ जी आए काफी दिनों बाद, कैफ जी आपका वेलकम है, शकीब जी आपका भी वेलकम है। थोड़ी सी हम डिस्कशन रोज कर लेते हैं वर्ल्ड कप में, थोड़ा सा हम एक्सक्यूज करिए 10-15 मिनट हम रोज वर्ल्ड कप को देना चाहते हैं, फिर आपके मैसेजेस तो हम लेंगे, 2 घंटे की स्ट्रीम होती है। एनीवे यू नो व्हाट वाज आई सेइंग, किसके बारे में, रिंकू सिंह, रिंकू सिंह मेगा ऑप्शन भूल गई। एनीवे चलिए, समीर का बहुत एक अच्छा मैसेज है, वर्ल्ड कप 11 अपडेटेड, रोहित शर्मा 4, संजू सैमसन 0, हार्दिक पांड्या 0, सूर्य कुमार यादव 10, शिवम दुबे 0, रविंदर जडेजा 2, इसमें आप सैमसन भी ऐड करिए समीर जी, सैमसन 0 0, अर्शदीप 50 एंड चहल 50 तो ये हमारा अपडेटेड जो है वो है। और जायसवाल के वो रन आए हैं तो कैच ड्रॉप होके आए हैं, जाहिर सी बात है जो बड़ी टीम होगी वो कैच छोड़ करके तो मौके देंगी नहीं, वो भी मतलब फ्लो भी लगा लो शो। अब बात आता है, थोड़ा सा मुद्दा मैं पकड़ता हूँ, भुवनेश्वर की कोई पेस नहीं है ज्यादा, समझ रहे हो, उसकी स्विंग नहीं दिखी इसको संजू सैमसन को, ठीक है। अब वहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीकन, न्यूजीलैंड के प्लेयर जो 150 प्लस की बॉल पे स्विंग कराएंगे ना, क्या खेलेंगे। या पाकिस्तान के भी कह दो यार, पाकिस्तान का क्यों मैं छोड़ू, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इनके ना बीच में से फट जाएगी जो भारी भारी एस है ना, ऐसे फट के हाथ में आ जाएगी, वो मेडिनावर खेलेंगे फिर कि भाई तू स्ट्राइक ले ले, मुझे तो बॉल दिख नहीं रही है, और ऊपर से लेफ्ट आर्मर प्लस लेफ्ट आर्मर आ जाए, यार आपने सिलेक्ट कर ली टीम आईपीएल के बेस। मुझे तो समझ नहीं आ रही अर्शदीप को डालने का क्या मतलब था, अर्शदेश आप मुझे कह रहे थे 2 साल से इसको बैक कर रहे हैं, यार ये संदीप शर्मा को डाल देते, इकोनॉमी भी तो इसकी सही है, नटराजन को डाल देते, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो खलील जो रिजर्व में उसको डाल देते, रन तो नहीं दे रहे ना,
मतलब सोचो एक विकेट दो विकेट लेंगे 60 रन, मुझे तो चहल के ड्रीम आ रही थी। मैंने आपको बोला ना 60 रन देगा ये, मैंने तो पहले ही बोला था रन उठाएगा, अब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी तो 40 रन दे देगा, विकेट ले लेगा, बस यही करेगा ना। हम उस 40 रन को अचार टोइना डाल लेंगे जो कभी कभार चलेंगे। अब देखो बात की जा सकती है, लेने को नटराजन लिया जा सकता था, नटराजन भी अच्छा बोलर, खलील भी लिया जा सकता था, अच्छी मेहनत कर रहे हैं बंदे, खलील तो चलो रिजर्व में जा रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, अर्शदीप भी ले लिया, स्विंग चलती है लेकिन पेस नहीं है उतनी, समझ रहे हो, स्विंग होगी तो कितना यार, स्विंग होगी तो चल गया, वरना रुला देगा वो में, रुला देगा सच्ची। मोहसिन खान जिसकी पेस है, जिसकी पेस है, स्विंग है, टर्न है, स्लो है, बाउंसर है, यॉर्कर है, सब जिसके पास हथियार है, वो इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, 150 की डाल देता भाई वो, ठीक है। लेफ्ट आर्म अमर अगर आपको डालना ही था तो कोई डंका डाल लेते, अब कहेंगे भाई हमने तो 2 साल से ग्रूम किया अर्शदीप को, अर्शदीप ही डालेगा। चलो मैं ये भी बात हजम कर लेता हूँ, लेफ्ट आर्मर के एंगल से एक बॉलर रख लिया, वैसे आप खिलाओगे मोस्ट प्रोबेबली सिराज को ही, मुझे पता है, क्योंकि सिराज को कोहली बैक करेगा, जाहिर सी बात है सब सब अपने अपने खिलाड़ी को बैक करेंगे। तो यार सागरी पूछ रहे हैं अर्शदीप तो सीएसके और एमआई से नहीं खेलता तो वे उसको क्यों सिलेक्ट कर लिया, भाई सागरी